हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने निटिंग का और एक नया पैटर्न लेके आई हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है बुनाई, लेकिन आसान है बनाने में। इसको वॉल्यूम लीव्स का पैटर्न कहा जा सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे लीव्स आपको पत्ते के जैसे नजर आएंगे। तो ये निटिंग वॉल्यूम लीव्स, ये एम्बॉस्ड काइंड ऑफ लीव्स आपको नजर आएंगे। आप इस तरह से ये पैटर्न देखोगे तो ये उभरे हुए लीव्स नजर आएंगे पैटर्न के ऊपर, बहुत ही सुंदर लगता है। एंड ये फ्रंट साइड है एंड ये उसका बैक साइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक साइड, ये पैटर्न रॉन्ग साइड से शुरू होता है एंड इसे डालने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 4+1 डालने होंगे फंदे, एंड एज के लिए एक एक फंदा। मल्टीपल ऑफ 4+1 एंड मल्टीपल ऑफ 4 28, +1 40 29 एंड +2 31। सो इस तरह से फंदे, मैंने 31 फंदे डाल के ये एक पैटर्न इस तरह से बनता है। तो 13 रोज का एक पैटर्न है, सॉरी 12 रोज का पैटर्न है। यही 12 रोज 12 रोज आपको रिपीट करते हुए जाना है, row 1 to row 12। तो इसका रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है, जैसे कि यूजुअल मेरे पैटर्न, मेरे चैनल पे जो पैटर्न है उनका रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाता है, इसका भी मिल जाएगा, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। row 1 फंदे डालने के बाद रॉन्ग साइड से शुरू होता है ये। एज स्टिच एक उतार लेंगे, उतार लेने के बाद धागा आगे लिया और एक उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, यही हमें रिपीट करना है। एक उल्टा, 1 पर्ल, निट 3, 3 सीधे, यही हमें रिपीट करना है। एक उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, इस तरह से रिपीट करेंगे row 1 रॉन्ग साइड से। तो लास्ट के 2 स्टिच बचे हैं, इसी तरह रिपीट करते हुए। तो एक उल्टा और एक सीधा बुन लेंगे। row 1 कंप्लीट हो गया है। row 2 एज स्टिच, इसमें इसके उल्टा करेंगे फर्स्ट स्टिच के। तो ये फर्स्ट स्टिच जो फर्स्ट रो था उसका उल्टा बनने जाएगा, मतलब एक सीधा 3 उल्टे, 1 2 3, यही रिपीट करते जाएंगे। एक सीधा 3 उल्टे, 1 2 3, एक सीधा और 3 उल्टे, 1 2 3, यही हम रिपीट करेंगे row 2। और एंड तक आ गए हैं, एंड तक लास्ट स्टिच है। तो एक सीधा, 2 स्टिच में एक सीधा और एक उल्टा बुन लेंगे। row 2 कंप्लीट हो गया है। row 3 एज स्टिच, अगेन row 1 की तरह करेंगे ये। एक उल्टा, 3 सीधा, 1 2 3, यही रिपीट करेंगे। एक उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, अगेन एक उल्टा, 1 2 3, सीधे, इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। और एंड तक आ गए हैं। तो यहाँ पे एक उल्टा और एक सीधा बुन लेंगे। तो ये row 3 कंप्लीट हो गया है। row 4 अगेन एज स्टिच, row 4 एज स्टिच है, एक सीधा 3 उल्टे, 1 2 3, यही हमें रिपीट करना है। एक सीधा 3 उल्टे, 1 2 3, इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। एक सीधा 3 उल्टे का row 4 के आखिर में है, लास्ट 2 स्टिच है। तो ये एक सीधा और एक उल्टा बुन लेंगे। row 4 कंप्लीट हो गया है। row 5 में एज स्टिच, अगेन row 1 की तरह एक उल्टा 3 सीधा करेंगे। एक उल्टा, 1 2 3, 3 सीधा,
फिर एक उल्टा, फिर तीन सीधा, 1 2 3, इसी तरह से रिपीट करते हुए जा। अब लास्ट पे आ गए हैं, तो लास्ट दो स्टिच है, तो एक उल्टा और एक सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब रो नंबर 6 पे हैं। रो नंबर 6 पे हमें लीफ क्रिएट करना है, तो रो नंबर 6 के लिए एज स्टिच एक हमने उतार लिया है। तो अब हम लीफ, निट लीफ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो निट लीफ का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना है। ये यहाँ पे आपको ये जो लाइन आपको दिख रही है स्टार्टिंग का, इसके नीचे 1 2 3 4, ये जो 4 नीचे के हैं, नीचे से हमें फंदे उठाना है। इसके लिए धागे को पीछे रखेंगे एंड यहाँ पे लूप्स क्रिएट करेंगे, 1 2 3 और 4। हमने फोर्थ नीचे फोर्थ स्टिच में हमें हुक डालना है और एक लूप क्रिएट करेंगे बड़ा सा इस तरह से, एक नेक्स्ट इसी के ऊपर से थर्ड वाले चेन में, ये 2। अब सेकेंड वाले चेन में ये 3 और ये ऊपर का चौथा जो है नीचे, 1 2 3 और 4, इस तरह से हम लेंगे नीचे से ऊपर तक। ये इस तरह से हम फंदे एक्स्ट्रा लूप्स क्रिएट कर लिया है। अब हम धागा आगे लेके जो ए वाला स्टिच है इसके ऊपर का स्टिच, इसको हम उल्टा बुन लेंगे और उतार लेंगे और धागे को पीछे रखेंगे। धागा पीछे रखने के बाद इसको लीफ कैसे करना है, ये जो लास्ट स्टिच है ये हमारा एज स्टिच है और ये लास्ट जो हमने एक्स्ट्रा लूप किया था, तो ये इस लूप को इसके ऊपर से पास करेंगे, 1 फिर 2 3 और ये 4। हल्के हाथ से कीजिएगा तब ये, अगर आप मोटे ऊन से करोगे और भी ये उभर के आ जाएगा, लेकिन ये इस तरह से माइन्यूट दिख रहा है एंड ये इसका फंदा। तो नेक्स्ट हम ये हमने लीफ क्रिएट किया एंड 3 उल्टे बुनेंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं उल्टे बुनेंगे ही हमें रिपीट करना है। लीफ क्रिएट करेंगे, 3 उल्टे बुनेंगे, तो इसी तरह से 3 उल्टे बुना, फिर हम एक बार रिपीट करेंगे। धागे को पीछे लीजिए एंड यहाँ इस लूप के नीचे 1 2 3 4, जो नीचे फोर्थ स्टिच है उसमें हम लूप क्रिएट करेंगे इस तरह से, लूप 1 इसके ऊपर से, ये 2 इसके ऊपर से, 3 और ये 4। 4 लूप्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। धागा आगे लेके इसको हम उल्टा बुन लेंगे और धागे को पीछे लेंगे और अब हम स्लिप करेंगे सारे एक्स्ट्रा लूप्स को। ये पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ये 4, इस तरह से ये लूप होगा। लीफ क्रिएट कर लिया हमने एंड यहाँ पे 3 उल्टे, तो इसी तरह हमें अगेन लीफ क्रिएट करेंगे, 3 उल्टे लीफ, 3 उल्टे, इस तरह से रिपीट करेंगे हम। इसी तरह से रिपीट करते हुए लास्ट 2 स्टिच आ गए हैं। लास्ट यहाँ पे भी हमें लीफ क्रिएट करना है, 1 2 3 4, फोर्थ 1 2 3 4th लूप में हमें स्टिच में हमें लूप क्रिएट करना है, 1 2 3 एंड ये 4, इस तरह से। और ये पर्ल स्टिच एक उल्टा बुन लेंगे और धागा को पीछे लिया और ये पीछे से आगे तक, 1 2
थ्री और ये फोर, चारों फंदों को हमने पास कर लिया और ये एक लास्ट का उल्टा बुन लेंगे। तो ये रो नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप इन लीव्स को एक के ऊपर रिपीट करना चाहते हो, एक के ऊपर एक इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में आप चाहते हो, तो यही रो नंबर वन टू रो नंबर सिक्स आप रिपीट करते हुए जाइएगा, ये सीधी लाइन में आते जाएंगे। अगर आपको इन बिटवीन इस तरह से डालना है तो आगे कंटिन्यू करना है। रो नंबर सेवन, रो नंबर सेवन एज स्टिच पे आ गए हैं, एज स्टिच पे दो सीधे रो नंबर सेवन पे हैं, एज स्टिच हमने उतार लिया है। अब यहाँ पे दो सीधे बुनेंगे, एक उल्टा एक सीधा, यही हमें रिपीट करना है। फिर दो सीधे एक उल्टा एक सीधा, यही हमें रिपीट करना है। दो सीधे, धागा पीछे ही रखिए, दो सीधे एक उल्टा एक सीधा, अगेन रिपीट करेंगे। नीट टू पर्ल वन नीट वन, यही हमें रिपीट करना है। नीट टू दो सीधे एक उल्टा और एक सीधा, यही हमें दो सीधे एक उल्टा एक सीधा, यही हमें रिपीट करते हुए जाना है। तो ये लास्ट दो स्टिच बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक सीधा बुनेंगे और एक उल्टा बुन लेंगे। तो ये रो नंबर सेवन कंप्लीट हो गया है। रो नंबर एट, अब रो नंबर एट पे हैं, रो नंबर एट एज स्टिच एक उतार लेंगे। तो रो नंबर सेवन के अपोजिट करना है, यहाँ पे दो उल्टे एक सीधा एक उल्टा, यही हमें रिपीट करना है। अगेन दो उल्टे एक सीधा एक उल्टा, फिर अगेन धागा आगे ही रहेंगे, दो उल्टे एक सीधा एक उल्टा, इसी तरह से हमें रिपीट करेंगे। दो उल्टे एक सीधा एक उल्टा, इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। रो नंबर एट एंड पे आ गए हैं, तो ये लास्ट के दो में एक उल्टा और एक सीधा बुन लेंगे। रो नंबर एट कंप्लीट हो गया है। रो नाइन एज स्टिच रो सेवन की तरह बुनेंगे, ये रो नाइन दो सीधे एक उल्टा एक सीधा, यही हमें रिपीट करना है। अगेन दो सीधे एक उल्टा और एक सीधा, इसी तरह रिपीट करते हुए जाएंगे। तो ये एंड तक आ गए हैं, तो यहाँ पे दो बचे हैं, एक सीधा और एक उल्टा बुन लेंगे। रो नंबर नाइन कंप्लीट हो गया है। रो टेन में हम एज स्टिच एक उतार लेंगे। अब यहाँ पे दो उल्टे एक सीधा एक उल्टा, यही हमें रिपीट करेंगे। अगेन दो उल्टे एक सीधा एक उल्टा, यही हमें रिपीट करना है। दो उल्टे एक सीधा एक उल्टा, यही हमें रिपीट करते हुए जाना है। रो नंबर टेन, तो एज स्टिच पे आ गए हैं, तो ये दो स्टिच बचे हैं, एक उल्टा और एक सीधा। तो रो नंबर टेन ये कंप्लीट हो गया है। रो नंबर इलेवन एज स्टिच एक उतार लेंगे और यहाँ पे दो सीधे एक उल्टा और एक सीधा, यही हमें रिपीट करना है। अगेन दो सीधे एक उल्टा
और एक सीधा, इसी तरह हमें रिपीट करते जाना है। इसी तरह रिपीट करते हुए लास्ट दो स्टिच बचे हैं, तो एक सीधा एक उल्टा, और ये रो नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। रो नंबर 12, रो नंबर 12 में अगेन हमें ये जो लीफ आपको नज़र आ रही है ये क्रिएट करना है। तो एज स्टिच एक सीधा बुन लेंगे, तो यहाँ पे दो उल्टे बुनेंगे। जो ये वाला लाइन है अगेन यहाँ पे हमें लीफ क्रिएट करना है सेम पहले की तरह। तो ये धागे को पीछे लिया और इसके नीचे 1 2 3 4 बिलो फोर्थ स्टिच में से हमने लूप क्रिएट करना है। 1 2 3 और ये 4। जो टॉप का रहता है ये थोड़ा छोटा लीजिएगा, ये इसे कम 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 इस तरह से लेंथ आप लेते जाइए ताकि लीफ अच्छे से आ जाए। ये पतला ऊन है, इतना उभर के नहीं दिख रहा है शायद आपको, लेकिन जब आप मोटे ऊन से करोगे, बेबी ब्लैंकेट के लिए वगैरह करोगे, तो बहुत ही सुंदर है दिखने वाला पैटर्न है। इसको हम एक उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे लीजिए और ये जो पीछे का स्टिच इसके ऊपर पास कर लेंगे हम इसके, ये 1 ये 2। हाथ इस तरह से पकड़िए ताकि ये निकल ना जाए स्टिच। 3 और ये 4th। तो इस तरह से अगेन एक उल्टा, यही हमें रिपीट करेंगे, दो उल्टे। एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ, दो उल्टे, धागा पीछे लीजिए और लीफ क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 नीचे से लूप क्रिएट करेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब धागा आगे लेके इसको उल्टा बुन लेंगे इस वाले स्टिच को, और धागा पीछे करके इन लूप्स को इसके ऊपर पास कर लेंगे। 1 2 3 4। ज़्यादा टाइट लेंगे तो इस तरह से ये छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा लूप्स ढीला छोड़िएगा और एक उल्टा। तो आप इसी तरह से ये एंड तक रिपीट करेंगे, और इसी तरह एंड तक आ गए हैं, तो एक उल्टा और लास्ट में दो स्टिच बचे हैं, तो एक उल्टा और एक सीधा बुन लिया है। ये रो नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। तो ये रो नंबर 12, ये दो बार रो 1 2 12 रो जो है इस तरह से ये दिख रहा है आपको। तो इस तरह से ये पैटर्न आपको दिखेगा, लीफ पैटर्न बहुत ही सुंदर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा यही रो नंबर 1 to रो नंबर 12 तक आपको फंदे रिपीट करते हुए जाना है। अगर आपको एक ही लाइन में ये चाहिए तो रो नंबर 1 to 6 रिपीट करते हुए जाइए। अगर आपको इन बिटवीन दो के बीच में ये जो लाइन दो के बीच में इस तरह से आपको चाहिए, तो ये रो नंबर 1 to रो नंबर 12 तक आप रिपीट करते जाइएगा। तो ये है पैटर्न। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो ज़रूर हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, शायद आपको कोई वीडियो पसंद आ जाए या हेल्पफुल लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।